तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें बेसिकली क्या कहते हैं कि फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, यहाँ एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया हुआ है और टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, टेन थीटा इज इक्वल टू आर जी ओवर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये कहता है ऑब्टेन फ्रॉम द बैंकिंग एंगल थीटा ऑफ साइक्लिस्ट। आई होप कि सर्कुलर मोशन आप पढ़े होंगे, तो सर्कुलर मोशन में ये आता है। तो ये कहते हैं कि ये बोथ इक्वेशन बोथ बोथ डायमेंशनली एंड न्यूमेरिकली सही, नाइदर न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली मतलब क्या होता है भाई? न्यूमेरिकली मतलब ये होता है कि क्या सच में एक इक्वेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो आर जी टेन थीटा होती है, आप पढ़े होंगे। तो यहाँ से जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ऐसा कोई फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, फिजिक्स में। तो ये न्यूमेरिकली तो सही नहीं है, मतलब ए ऑप्शन तो बिल्कुल इसका सही नहीं हो सकता, ठीक है। नाइदर न्यूमेरिकली ना, ये कह नहीं सकते न्यूमेरिकली, तो ये क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला होता ही नहीं है। तो डी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो कभी सही नहीं हो सकते, मतलब या तो ये सही है या तो ये सही है, ठीक है। तो सबसे पहले चलो मतलब डायमेंशनली चेक करते हैं। तो इधर जो इस साइड जो डायमेंशन है वो डायमेंशनल लेस है, तो ये डायमेंशनल लेस है, डायमेंशनल लेस एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ये डायमेंशनल लेस है तो एम नॉट एल नॉट टी नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको भी तो डायमेंशनल लेस होना पड़ेगा। तो अगर ये डायमेंशनल लेस है तो सबसे पहले मैं इसका डायमेंशन रखता हूँ, आर जो है लेंथ है, ठीक है, और जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सलेशन है, तो एक्सलेशन का होता है एल टी माइनस टू, और यहाँ से भी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा एल, और एल और ये टी की पावर माइनस टू, और इधर आ जाएगा एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस टू। तो एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को, टी स्क्वायर ने टी स्क्वायर को, तो इधर भी बचा एल नॉट टी नॉट और एम नॉट। मतलब ये इक्वेशन जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ये डायमेंशनली तो करेक्ट है बट न्यूमेरिकली तो सही ही नहीं है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज द सी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।